नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया। आज आपको बता दें कि ये जो इंटरव्यू आप सुनने जा रहे हैं, ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जो कि प्रिंस प्रियदर्शी जी के साथ है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बाबा और आपके सारे चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार के बदौलत आज प्रिंस प्रियदर्शी है। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और आपके इस बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे साथ आपका इंटरव्यू देखने और सुनने के लिए दर्शक बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तो आज उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन दर्शकों का मैं पैर छू के प्रणाम करना चाहूंगा और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा। पहले की जैसे जैसे आशीर्वाद देते आए हैं, वैसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आपका भाई मेहनत करता रहेगा। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा प्रिंस जी, आपका आज एक गाना रिलीज हुआ है, आरा के हवेली। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेके? मैं इस गाने को लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे पहले तो उनको सत सत नमन है, आकांक्षा दुबे जी को जी, और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है मेरे तरफ से जी जी। और मैं तो बस एक कलम हूँ, स्याही मेरे दर्शक हैं जी जी। तो जब तक आप लोग का प्यार बना रहेगा तब तक मेरे कलम में स्याही भरा रहेगा और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। और बहुत ही अच्छा गाना रिलीज हुआ है और आकांक्षा दुबे जी का शायद पवन भैया के साथ लास्ट गाना है, तो इसको आप लोग प्यार दुलार बनाए ताकि एक नया रिकॉर्ड बने उनको। प्रिंस जी जहाँ भी हो, प्रिंस जी जहाँ तक ये जो गाना है आरा के हवेली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप छपरा के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, छपरा के हवेली भी लिख सकते थे, आरा की हवेली लिखने की क्या आवश्यकता थी? आरा की हवेली लिखने की आवश्यकता ये थी कि आरा में ही बहुत ज्यादा आरा से ही गाना बनता है और आरा का रिस्पॉन्स दर्शकों को बहुत बहुत ही पसंद आता है आरा का। क्या फ्यूचर में कभी छपरा पे गाना गवाएंगे पवन भैया से? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि छपरा पे बहुत, छपरा, गोपालगंज, सिवान सबको लेके एक बार गाना जरूर गवाऊंगा। और गाए भी हैं भैया जी जी। ये गाना कैसे बना था, क्या विचार में आया था कि यारा के हवेली पे आ जाइए हम? ये एक हम लोग के तरफ से जो भी अगर थोड़ा रईस टाइप के लोग होते हैं बोलते हैं हवेली पे आ जाना है, और एक फिल्म में भी था कोई फिल्म में ये डायलॉग था कि हवेली पे आ जाना, मामा ठाकुर में कोई था उसमें तो वहां से कॉन्सेप्ट ये था और उसको मैंने गाने में आप लोग सामने प्रस्तुत किया। आप लोग प्यार दुलार अपना देखिए, अब जैसा स्नेह प्यार आप लोग का बना रहे। प्रिंस जी, देखा जाता है कि औसतन पवन सिंह जी के साथ किसी का एक से दो गाना आता है, ठीक है, विगत कुछ सालों से देखा जा रहा है, लेकिन जब से आप जुड़े हैं, यूं कह लीजिए कि पवन जी के लिए तो आप नौसिखिए गीतकार हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी उतनी उम्र भी नहीं हुई और उतना ज्यादा आप इंडस्ट्री को समय भी नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह के आप इतने पसंदीदे गीतकार बन गए हैं कि साल में 8 से 10 गाने आपके गा रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिए हैं पवन जी पे, आप जादू कर दिए हैं या फिर कलम का जादू आपका चल रहा है? मैं ये बोलना चाहूंगा बाबा कि ये जो जो भी कोई भी सिंगर अगर आपका गाना गाता हो तो इसमें आपका सिंगर का तो है ही श्रेय, साथ ही साथ दर्शकों का बहुत ज्यादा श्रेय होता है। दर्शक किसको मतलब प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मेरे सारे गानों को लगभग लगभग दर्शकों ने बहुत ही प्यार दुलार दिया और बहुत ही सराहा है। जैसे मैं सरिया करिया था भैया का पहला गाना 200 मिलियन के आसपास है, आज कुमार वाला डीपी था वो 60-70 मिलियन के आसपास है, दियरी में तेल नहीं था वो करीब 30-40 मिलियन के आसपास है, जारा में सहारा करो उसका तो वीडियो नहीं आया था, खरीद वो भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है यूट्यूब पे, झगड़ा के घर था वो भी 12-15 मिलियन के आसपास है और ओवरऑल गिना जाए तो 20-30 के ऊपर होगा वो। झगड़ा के घर तो झगड़ा लगा दिया था, इस गाने पे कोई आरोप नहीं ना है आरा के हवेली पे? अच्छा बाबा, आप भी लोग, आप लोग सारे दर्शक देखे ही होंगे, झगड़ा के घर पे आरोप था, बाद में सिंगर ने आके माफी भी मांगा था। बिल्कुल बिल्कुल, और बोला था कि मैं सूट से सुन के किया था, तो मेरे पे आज तक आरोप है ही नहीं। आप लोगों का प्यार दुलार इतना है कि मेरे में, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जरूर कि अपने दिमाग से और आप लोगों के प्यार से लिख लेता हूँ, अच्छा खासा लिख लेता हूँ। प्रिंस की अगली पेशकश क्या होगी? मेरी अगली पेशकश अभी लगातार जारी है बाबा, मेरा अभी वो साथी रे बज रहा है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, आप लोगों का प्यार दुलार दे रहे हैं आप लोग, घर के मलकिनिया बज रहा है, साफ सुथरा गाना एकदम मस्त एकदम,
और उसमें उसके हमने बाद कल से एक भी रील भी मैं, बनाया था। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक गाना ट्रेंडिंग में, नए लड़के जितेंद्र सिंह अंशु भैया हैं जी जी उनका गाना ट्रेंडिंग में है, 29 नंबर ट्रेंड पे, जी जी जब जी आई बतार लेके जेल से बेल मारी लगा के करुआ तेल, डंडा से जी मारने के बाद थोड़ा है, तो जी वे म्यूजिक पे है, वो भी ट्रेंड में है, और आप लोग का प्यार दुलार इतना मिल रहा है। मैं आपके चैनल पे बहुत पहले भी बोला था कि मैं नए सिंगरों के साथ बहुत ज्यादा ही मेहनत करता हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल, लेकिन वो मेहनताना मेरा दिख गया है, बजता तो स्टार लोग के साथ है, एकदम रिकॉर्ड तो देता है गाना। वो भी बजेगा बाबा, थोड़ा लेट होता है, दर्शक मैं को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन यूँ कह करेंगे ही लीजिए कि करेंगे। इस साल के शहंशाह गीतकार हैं, कैसा लग रहा है? कंटिन्यू मतलब एक साल में बहुत 2 से 3 गाने बजना, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत सब दर्शकों का प्यार दुलार है, और ऐसे ही प्यार दुलार बना रहे, और बाकी पावर स्टार तो पावर स्टार है ही, बिल्कुल बिल्कुल। उनका गाना तो ऐसे ही बॉम्ब है, उनके गाने में ही पावर है, और सावन की ट्रांसफार्मर तैयारी जैसे चल रही गिटार है कि का नहीं अभी से? क्योंकि देखा जाता बिल्कुल है सब। औसतन भोजपुरी कलाकार जो होते हैं बहुत पहले से ही गाने बना के रख लेते हैं। हम लोग ऐसे स्टार के साथ रहते हैं कि उनका गाना 10 दिन से पहले, 5 दिन पहले बनता है, तो हम लोग ज्यादा दिन पहले तैयारी नहीं करते हैं। हाँ ये तैयारी जरूर होता है कि क्या सौंपना है उनके आगे, क्योंकि उनको सारे सिंगर, उनको वो भोजपुरी के बॉस और भोजपुरी के सारे सिंगर उनको मुझे लगता है कि सुनते हैं, बिल्कुल तो उनके बिल्कुल लिए गाना लिखना बहुत बड़ा बात होता है। बिल्कुल और आप तो खुद ही लिखे हैं, तो आप भी जानते ही हैं ये सब चलिए भी है, आप साथ में कितकार पत्रकार सब हैं आप, तो आपसे बेहतर प्रिंस जी, कौन बातें जानकारी करके देगा। बहुत अच्छी लगी, और दर्शकों को भी इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छा लगेगा, और आने वाले समय में फिर बहुत जल्द हम लोग एक साथ एक मंच पे रूबरू होंगे और एक शानदार बिल्कुल इंटरव्यू लेके बिल्कुल, आएंगे। मैं चाहूंगा कि बाबा आप एक साथ हम लोग लिखे भी, बिल्कुल, जी, क्योंकि मैं भी आपके कलम का जादू का मैं भी आपको फैन हूँ, जी और आपका जो भी गाना मैं सुना हूँ आज तक यूनिक ही आया है, और आप पे भी मेरे तरह आरोप नहीं है आज तक, है ना, और ऐसे भी सब तक को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही हम लोग गर्दा मचाएं, और हम ही लोग को भोजपुरी में कुछ करना है, ताकि बिल्कुल, लोग जाते ये ना जाते बोले कि दर्शकों को भोजपुरी कुछ का, बोल दीजिए आरा के हवेली के लिए। दर्शकों को आरा के हवेली के लिए मैं बोलूंगा कि आरा के हवेली पर ज्यादा प्यार दुलार बना रहिए, और कल जो प्रियंका सिंह के पे हुआ है परसों जी जी आपके बिल्कुल ठावे के में मंच पे, ऐसा बिल्कुल कभी किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए, और हम लोग को इतना मेहनत जरूर करना है कि जब भोजपुरी कलाकार अगर कहीं से गुजरे तो लोग बोले कि अरे भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं, और अच्छा खासा सम्मान दें, जैसा कि प्रियंका दीदी बता रही थी कि उनको पानी तक नहीं पूछा गया, जी तो जी ऐसा काम नहीं करें, आप किसी कलाकार को बुलाएं ही नहीं अगर आपके पास सामर्थ्य ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी निंदनीय है। और इसी के साथ आप आरा कैवली को प्यार दुलार बना रही है, जी और जी आपके चैनल दर्शक जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार दुलार आपको भी दें, मुझे भी दें, और ऐसे ही भरते रहें झोली में मेरे प्यार, ताकि मैं आप लोग तो पानी की बूंद की तरह बरसता रहूं। झोली में क्या, पूरा बोरा में भर के आपको प्यार मिल रहा है, दर्शक दे रहे हैं, और इसी बात के साथ अपने इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। नमस्ते।